ये अभी सर हम हमें दिखा रहे हैं कि कली और ये चूना जो इन्होंने अरेंज किया है वो कहाँ से और कैसे ये वर्क करता है। बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारा चूना पत्थर होता है। ये पत्थर के छोटे छोटे पीसेस करके इनको भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। भट्टी के अंदर जब डाल देते हैं, जैसे हमारे पुराने टाइम में जो होती थी, क्या होती थी जिसको हम सफेदी करना बोलते थे, सफेदी ये किस्म से सफेदी ठीक है, ये उसी वर्क के लिए आती है। तो इसको हम पानी में जब भिगोते हैं तो इसमें से पूरा धुआं, मैंने जैसे बताया कि CO2 रिलीज कर देता है। आज भी कुछ लोग इसका यूज करते हैं घरों में सफेदी के लिए पर्पस में, ये पके हुए फॉर्म में। अब जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, अपना CO2 रिलीज कर देगा और ये एक पेस्ट के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये जितना पका हुआ होगा वो पेस्ट बन जाएगा। इसके अंदर अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत हिस्सा कच्चा है तो वो पत्थर के रूप में, छोटे पत्थर के रूप में बाहर आ जाएगा। ये इस प्रकार के बैग हैं जो 20 किलो 25 किलो 50 किलो के भी बैग हैं जो हमें आते हैं और इनको ट्रांसपोर्ट करके लाना होता है। इनको हम क्या करते हैं, लाने के बाद इनको ऊपर करके सीधा हमने पिट, इसके लिए हमने ये पिट बना रखी है। हमें क्या करते हैं कि ये जैसे ही कट्टा है इसको लाते हैं, लाके इसमें बस ऐसे खोल के डाल देते हैं। अब ये देखिए इसमें से बबल्स, ये अपना बबल्स जो बन रहे हैं ये अपनी CO2 को रिलीज कर रहा है, ठीक है जी, ये अपनी CO2 रिलीज कर रहा है। फिर ये बाद में क्या होगा, ये इस प्रकार से पेस्ट फॉर्म में, ये इसके पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर जो निकलते हैं, ये जो पत्थर आपके दिखा, ये हमारा वेस्ट होता है। हालांकि ये वेस्ट भी नहीं होता है, जहां से मैं खरीदता हूँ ये लोग तो क्या कहते हैं कि जी आप ये ले आओ, इसके बदले में हम आपको वापस कड़ी दे देंगे, लेकिन इसको फिर वापस ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा मुझे ये फिर, तो वो तो ना के बराबर। हाँ, लेकिन इसका एक यूज हो सकता है, वो यूज मैं बाद के लिए रखा है मैंने। इसको जहां भी हम डालेंगे जमीन में कैल्शियम की मात्रा को पूर्ति करते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम का ही होता है, कैल्शियम रिसोर्स है एक तरीके से, कैल्शियम का रिसोर्स है। किसी की कहते हैं आज के टाइम में भी या पुराने टाइम में, किसी की बोन्स अगर कमजोर है तो थोड़ा सा, अब आप इसको अगर आप इसको है ना, अब छू नहीं सकते, ये पूरा गर्म होता हीट है और इसमें स्टीम भी निकल रही है, ये पूरा उबल रहा है, ये छू नहीं सकते, जला देगा पूरा, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है। और इसमें आपने मतलब कितने दिन करके आप इसको मतलब यहाँ पे, इसको कुछ नहीं, इसको आप पानी में भिगोइए, जब ये पूरी तरह से शांत हो जाए, शांत होने के बाद आप इसमें डायरेक्ट डस्ट मिला दीजिए। इसको क्या करते हैं, हम घोल लेते हैं। इसमें हमारे पास एक औजार है जो मुझे यहाँ मिला ही नहीं था, इसके लिए मुझे स्पेशली ये राजस्थान से ही मंगवाना पड़ा था, वो औजार रखा भी है। अरे वो फावड़ी का है, ये वाली, इसके वाली लेके आई, क्या उसको क्या बोलते हैं, क्या फावड़ा नहीं, वो नास्तिक बोलते हैं, हरियाणा में तो फावड़ा ही बोलते हैं, कि लकड़ी का अलग होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या होते हैं, पंजी होती है, जिसको हम पत्थर के या जीरा रोड़ी को यूज करते हैं, जीरा रोड़ी बदरपुर को सर, लेकिन ये थोड़ी अलग ही होती है, ये यहाँ मिली ही नहीं मुझे शुरू में। दिखाइए एक बार सर आपने, रोड नहीं मैं तो पत्थर वाले, उनके लिए सरकाने के काम थोड़ा सा। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, ऐसे पानी में पूरा घोल लेते हैं इसके साथ, ऐसे ये पूरा घुल जाता है, तो ये इसका पूरा एक वो बन जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको, ये अब जैसे पूरा ये पानी बन गया इसका, इसको हम निकाल देते हैं इस साइड, इस साइड निकालने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं, डस्ट मिला देते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डस्ट मिलाने के बाद एक रात इसको पूरा छोड़ देते हैं इसी में, इसको भी साथ साथ घोलते रहना ताकि अच्छे से मिक्स होता रहे। बता पाएंगे हमारे दोस्त को सर, कितने टाइम तक आप मतलब कितने टाइम के बाद इसको दोबारा एक बार आपको इसमें से ये फावड़ा दोबारा पड़ता है, मतलब नहीं, ये जब हम डस्ट डाल रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा डस्ट डालते जाओ, उसको मिक्स करते जाओ, ठीक है। उसके बाद जब पूरा डस्ट आपने देख लिया कि हाँ भाई ये मतलब एक किस्म से बढ़िया मसाला हो गया है, इसमें जितना हमने डालना था डस्ट डल चुका है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। इसमें क्या किस मतलब इसमें अंदाजे में आप इसको यूज करते हैं, मतलब कि क्वांटिटी कितने है, इसमें चूना लगाया, इसमें जनरली देखिए हमने क्या रखा है, आपने इसमें हमने रखा है 8:9:1 का हमने रेशियो रखा, मतलब एक तसला आपका कड़ी का रहेगा जो चूना है, और 8:9 तसले आपके इसके,
बजरपुर बजरपुर के क्रशर क्रशर, ठीक है। तो ये हमने रेशियो लगभग शुरू से अभी तक मेंटेन, और दो साइड में ये हम देख पा रहे हैं, ये मतलब ये किस तरीके से आपने इसको मतलब बाद में क्या वर्क प्रोसेस है इसका? कुछ नहीं, आपने कैसे इसको यहाँ से निकाल के सीधा यहाँ डंप कर दिया? इसको बस यहाँ से वर्कर के द्वारा यहाँ से निकाल के इसको यहाँ डंप कर दिया गया है। अब इसको चाहे आप एक साल बाद इस्तेमाल कर लीजिए, बट ये मैं एक मैं भी मुझे थोड़ा सा जहाँ तक नॉलेज है इसमें यार कि ये सूखने नहीं देना चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ है इसमें? इसको चाहे आप एक साल इस्तेमाल कर लीजिए, एक साल बाद इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन इसकी एक ही कंडीशन होती है कि इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रखो, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहो। जैसे अभी सर्दियां थी तो हमें कोई पानी डालने की जरूरत नहीं थी इसमें, हमने सिर्फ एक ही काम करना होता था कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, और इसको जितना ज्यादा आप घोड़ के निकालते रहेंगे ये उतना ही आपका मसाला अच्छा तैयार होता है, क्योंकि ये जितना पुराना होता है ये उतना ही ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग के साथ में बड़ा ही उतना उपयोगी रहेगा। इसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती चली, इसके अंदर जो लोच बोलते हैं या मतलब स्मूथनेस कहते हैं मसाले के अंदर, वो स्मूथनेस बढ़ती चली जाती है। बस इसके अंदर मतलब क्वांटिटी के अनुसार पानी मिलाइए, जैसा मतलब कारीगर को चाहिए है, तो अगर लिक्विड ज्यादा फॉर्म में चाहिए तो आपको क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा, ज्यादा पतला चाहिए तो पानी ऐड कर लीजिए, अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो उस हिसाब से बैलेंस करके। आपने मैंने देखा है कि आपने इसका छत पे भी यूज किया है, छत पे भी आपने कैसे यूज किया, चलिए वो भी आपसे देख समझते हैं, देखते हैं आप।